हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हमारे पास ओप्पो का मॉडल है A94। सो इसका कोड लगा हुआ है, ठीक है। तो इसको कैसे फॉर्मेट करना है मैं बता देता हूँ, लेकिन उससे पहले आपने इसका मॉडल चेक करने के लिए एमरजेंसी पे जाना है और *#899# मिलाना, ठीक है। यहाँ पे ये सारे फंक्शन शो हो रहे होंगे, आपने सॉफ्टवेयर वर्जन पे क्लिक करना है सिंपली, और यहाँ पे इसका मॉडल शो हो जाता है, ठीक है। CPH2203 मॉडल है इसका। तो इसको इसका स्क्रीन लॉक ऑफ करेंगे, अगर FR भी लॉक हुआ वो भी मैं बता दूंगा। तो सबसे पहले इसको आपने पावर ऑफ़ करना है। कैसे करेंगे पावर ऑफ़? वैसे आप बटन दबाएंगे तो पावर ऑफ़ नहीं होगा, वो कोड मांगेगा। तो उसके लिए आपने क्या करना है, वॉल्यूम अप और डाउन और पावर तीनों दबा के रखने हैं, ठीक है। यहाँ पर दबा के रखने हैं आपने, और सिंपली जैसे ही ऑफ़ होगा ना मोबाइल, उसके बाद वॉल्यूम अप सिर्फ छोड़ देना है, वॉल्यूम डाउन और पावर दबा के रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखें, इस तरह आपने इसे छोड़ देना है वॉल्यूम अप को, और बस डाउन और पावर को दबा के रखना है। यहाँ पे ये रिकवरी मोड में, ये देखें इंटर हो रहा है, यहाँ पे अभी रिकवरी मोड में चला जाएगा। तो इस तरीके से आपने इसे हार्ड रीसेट जब रिकवरी मोड में जैसे करते हैं दूसरे एंड्रॉयड मोबाइल का, इसका थोड़ा सा डिफरेंस है, और सम टाइम नहीं होता है। तो उसके लिए आपको क्या करना होता है, टूल इस्तेमाल करना होता है, अनलॉक टूल वगैरह। तो मेरा डिस्प्ले भी आपको शो हो रहा होगा कंप्यूटर में, तो उसमें मैं आप लोगों को बता दूँगा। तो यहाँ पर इसका ओप्पो वाला फंक्शन, जो ओप्पो वाला फंक्शन है वहाँ पर, अच्छा यहाँ पर इसकी इंग्लिश सेलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पर फॉर्मेट वाले नीचे डाउन करके वॉल्यूम से, वहाँ से फॉर्मेट वाले ऑप्शन पे क्लिक। अच्छा यहाँ पे ये फॉर्मेट के लिए कोड दे रहा होता है 1305, ये इसने दिया है मुझे। तो आपको हो सकता है डिफरेंस दे कोड, तो आपने वही कोड डायल करना है, ठीक है। तो फिर उसके बाद इसे फॉर्मेट कर लेना सिंपली। यहाँ पे ये देखें, मैंने जैसे वो कोड दबाया तो ये फॉर्मेट हो गया, ठीक है। तो बस ये सिंपल इसका तरीका है। तो एंड्रॉयड दूसरे जो मॉडल हैं उनमें तो कोड नहीं मांगता, बस नॉर्मली फॉर्मेट पे क्लिक करेंगे तो फॉर्मेट हो जाता है। तो यहाँ पे ये फॉर्मेट हो गया, तो सिंपल है, इजी है, कोई इतना मुश्किल नहीं है। तो मैं आपको स्क्रीन पे अनलॉक टूल से थोड़ा सा आपको बताता हूँ। यहाँ पे आपने सर्च पे जाना है, जब ओप्पो के ऑप्शन में, वहाँ पर आपने इसका मॉडल लिख देना है, A94 या CPH2203, जो भी मॉडल हो आपके मॉडल का। यहाँ पर आप लिखेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे इसका मॉडल है, तो यहाँ पे इन्होंने फंक्शन दिया होता है EDL मोड का, और फंक्शन और ये सारा मेटा का। तो यहाँ पे ये सारा आपने इस पर क्लिक कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे ये रेज अफर भी करना है, तो यहाँ पे क्लिक करेंगे, नीचे फैक्ट्री वाले पे क्लिक करेंगे, ठीक है। अगर हार्ड रीसेट नहीं हो रहा वैसे तो वहाँ फैक्ट्री रीसेट पर क्लिक करेंगे। उसके लिए मोबाइल को पावर ऑफ करना होता है और वॉल्यूम डाउन दबाना होता है, और USB केबल इंसर्ट करनी होती है, तो ये फॉर्मेट कर देता है, ठीक है। सिंपल है, इजी है। अगर इसमें ईमेल हुई तो मैं इसको ओपन करके भी दिखा दूंगा, अगर नहीं हुई तो फिर नेक्स्ट स्क्रीनशॉट वीडियो में बताऊंगा मैं। तो छोटी सी वीडियो है वैसे मेरी FRP के हवाले से, फॉर्मेट एंड्रॉयड के हवाले से। मेरा एक प्लेलिस्ट होगा, हाँ प्लेलिस्ट है मेरा, उसमें आप लोगों को काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी जो सॉफ्टवेयर के हवाले से कुछ चीज़ें हैं। तो जैसे फ्री टाइम मिलता है मैं और भी अपडेट्स उसमें अपलोड करता रहूँगा वीडियो, आप लोग लाजमी देखिए, ताकि आप लोगों को इसकी सारी इन्फॉर्मेशन हो तो आप ये काम अच्छे से कर सकें, ठीक है। तो अनलॉक टूल आप लाजमी परचेज करके रखें, इसमें काफ़ी ज़्यादा मॉडल्स जो हैं वो कवर हो जाते हैं, और बाकी कुछ और भी टूल्स हैं उस पर मैं मुकम्मल वीडियोस बनाऊंगा, तो इंशाल्लाह आपको फ़ायदा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये थोड़ा टाइम लेगा, मैं थोड़ा वीडियो को फास्ट कर देता हूँ या कट कर देता हूँ जी। तो मैंने वीडियो कट की है ताकि टाइम बच जाए आप लोगों का। यहाँ पे देखें, इसे एक्टिव करते हैं हम, अगर ईमेल हुई तो फिर मैं आप लोगों को ओपन करके दिखाऊँगा, अगर नहीं हुई तो नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को बताऊँगा, ठीक है। तो यहाँ पर इसे नॉर्मली आपने एक्टिव कर लेना है सिंपल, जैसे ही हम इसे वाईफाई कनेक्ट करेंगे तो इसको एक्टिव कर लेंगे, ठीक है। तो सिंपल तरीका है, और बाकी अगर आप आईफोन का काम सीखना चाह रहे हैं तो मेरी Level 3 की जो है ना वो प्लेलिस्ट देखें, तो उसमें आपको Level 3 का काम आ जाएगा। बहुत सारी वीडियोस में मैंने अपलोड की हैं, तकरीबन हर फॉल्ट जो अभी तक आ रहा है उसमें मैंने अपलोड किया हुआ है सारे मॉडल्स का, वो आप लाजमी देखिए, ठीक है।
और बाकी लेवल वन लेवल टू का काम है नॉर्मली, वो डिस्प्ले बैटरी चार्जिंग फ्लैश ये वो चेंज करना, वो आप लोगों को आना चाहिए। उसके लिए भी मेरी वीडियोस होंगी, वो आप मेरे चैनल्स में देख सकते हैं। तो अगर आप नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को आने वाली वीडियो मिलती रहे। और कोई चीज़ समझ में ना आए तो कमेंट में भी पूछ सकते हैं, मैं कोशिश करता हूँ सबको रिप्लाई करता हूँ, जैसे फ्री टाइम होता है मैं रिप्लाई करता रहता हूँ। तो सिंपल है, आई थिंक इसमें हो सकता है ईमेल ना हो, तो अगर हुई भी तो आपको मैंने तरीका बता दिया अनलॉक टूल से कैसे करनी है, ठीक है। वॉल्यूम पावर ऑफ करके मोबाइल को वॉल्यूम डाउन करना है और वहाँ पे यूएसबी इंसर्ट करनी है और उस पर क्लिक कर देना है फॉर्मेट वाले ऑप्शन पे, FRP फॉर्मेट वाले ऑप्शन पे। तो यहाँ पे ये इसकी ईमेल नहीं है, ठीक है। तो गुड हो गया, सिंपल है, इजी है ये काम। आप लोग लाजमी इस काम को सीखिए ताकि आप लोगों के पास स्किल हो। अगर आप पाकिस्तान से, इंडिया से हैं, बांग्लादेश से हैं, यहाँ पे ये ईमेल नहीं है, देखें यहाँ स्किप का ऑप्शन मांग रहा है, स्किप कर देंगे। तो इतना सी वीडियो थी, इसका फॉर्मेट का जो तरीका है वो मैंने आप लोगों को बता दिया ओप्पो का तकरीबन। अगर किसी का नहीं होता तो उसको आप अनलॉक टूल से कर सकते हैं, ठीक है। तो वहाँ से ये सारा ऑप्शन है, यहाँ पे FRP वाला भी है। तो बाकी आप का बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने इस वीडियो को वॉच किया। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड थैंक यू फॉर लाइक। अपना ख्याल रखें, तो हमें याद रखें, अल्लाह हाफिज़।